राम राम, आप सबका स्वागत है केसरी आरस व्लॉग पे। आज के वीडियो में आप देख रहे हो पीछे हमारे गांव भगतपुरा में, जो कि सीकर जिले के सभी पंचायत के अंदर पड़ता है, सीएससी सेंटर एंड कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर के अंतर्गत इनमें तरह की सभी सेवाएं आती है। इसके अलावा बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा है, डिजिटल क्लासरूम है और लाइब्रेरी इसके अंतर्गत आता है। उद्घाटन हो रहा है, इस उद्घाटन के बाद में यहाँ चालू होगी, जिसमें बच्चे टल युग चल रहा है उसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो देखिए पूरा उद्घाटन प्रोग्राम। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथि गण, बगतरा गांव से पधारे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी ग्रामवासियों का एक्सीलेंस सीएसी बाल विद्यालय के इस प्रांगण में आपका स्वागत है। तो सरकार का जो भाग है उसको इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय कहते हैं, उस मिनिस्ट्री के अंदर में भारत सरकार ने एक योजना बनाई, एक प्लान किया कि हिंदुस्तान की ग्रामीण आबादी के जो लोग हैं, भारत के जो गाँव है, उन गाँवों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से जोड़े, क्योंकि शहरों के अंदर अपन देखते हैं और वहाँ की जो एजुकेशन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। शहर में लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन गांव के लोगों को तकनीकी से किस प्रकार से जोड़े, तो उन्होंने एक योजना की शुरुआत की जिसको नाम दिया सीएससी। सीएससी का पूरा नाम होता है कॉमन सर्विस सेंटर, हिंदी में इसको बोलते हैं। सामान्य लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र हो गाँव के या पंचायत के जो भारत माता की जय हिंद जय भारत। मैं आपका भाई सुरेंद्र सिंह, आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पधारे हुए मेहमानों को मेरा प्रणाम, और मेरा छोटे बच्चों से सिर्फ निवेदन इतना है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, अपने काम पे फोकस करें। गांव की तरफ से हमारे सरपंच साहब श्री सुरेंद्र सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो कंट्रोल। मैं यहाँ पिछले डेढ़ वर्ष से गांव के अंदर एक संस्थान एक्सीलेंस एकेडमी के नाम से संचालित कर रहा हूं।